गुड मॉर्निंग एवरी वन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज की क्लासेस है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नाउ इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका नेरिस्ट और स्लाइड्स के लिए। उस पैटर्न पे ही हमारा ये पेपर जो हमने रेडी किया है, इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। लास्ट वन क्लासेस हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे ले लिया हमने, तो आज हम टोटल 9 क्वेश्चंस को देखते हैं और इसके थोड़ा सा वर्कआउट को भी समझते हैं कि किस टाइप के प्रॉब्लम को हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है कि कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस, हाइड्रोकार्बन। तो ये फर्स्ट ही क्लियर है कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो बन के कंपाउंड बनता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है द जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग एल्केन्स इज, आपको एल्केन को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल फॉर्मूला है वो क्या है। तो ये बहुत इजी है क्योंकि आपका CnH2n+2 आपका एल्केन का होता है, CnH2n जो होता है वो एल्कीन का होता है, और CnH2n-2 जो होता है वो एल्काइन का होता है। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट थर्ड को देखते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड पैराफिन, एल्कीन्स, एल्काइन्स और एल्काइल ग्रुप। ओपन चेन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन होता है, ओपन चेन होता है। क्लोज चेन में जैसे बेंजीन वगैरह हम लोग कर लेते हैं, ओपन चेन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन लाइक दिस इस तरह का आता है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं। पैरा है पैराफिन, एल्कीन्स, एल्काइन्स, एल्काइल ग्रुप। तो इसमें आपका होता है पैराफिन्स। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्केन इज, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्केन इज, आपका जो ऑप्शन फोर ऑप्शन होता है उसमें से क्या क्या है। पहला एडिशंस है, सब्स्टिट्यूशंस है, पॉलीमराइजेशंस है या आइसोमेरिज्म है। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशंस है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्केन है। नेक्स्ट नंबर 5, द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, फर्स्ट प्रोपेन, एसिटिलीन, मेथेन एंड बेंजीन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका है वो मेथेन है। मेजर कंस्टिट्यूशंस ऑफ बायोगैस मेथेन होता है। नेक्स्ट है द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है इथाइल अल्कोहल का, 2CH2H5OH रिएक्शन कर रहा है सोडियम से तो फॉर्म कर रहा है C2H5ONa+H2। सजेस्ट दैट इथेनॉल इज, यहां पर जो है ये आपका इथेनॉल है, यहां पर इथेनॉल क्या है, एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, एम्फोटेरिक है, अदरवाइज न्यूट्रल है। तो इसमें यहाँ पर जो आपका एथेनॉल है वो एसिडिक इन नेचर से शो कर रहा है, आपका एसिडिक इन नेचर की जो कंडीशन है वो कंडीशन को यहाँ पर ये आपका एथेनॉल शो कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडेड टू डी नेचर एथेनॉल। पहला आपका मेथेनॉल, पैरिडाइन, कॉपर सल्फेट, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो है आपका जो द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज एडेड टू द ड्यू न्यूट्रल इथेनॉल के लिए, तो वो आपका पहला ऑप्शन भी करेक्ट है, मेथेनॉल भी है, फिर से पैरिडाइन भी है और कॉपर सल्फेट भी है। ये तीनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिथेन इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, पहला है कोल गैस, मतलब मेथेन ज़्यादातर किस रूप में मिलता है, सेकेंड है वाटर गैस, पेट्रोलियम या बायोगैस। तो मेथेन जो है वो मैक्सिमम आपको बायोगैस जो है इस फॉर्मेशन में मिलता है। नाउ लास्ट, द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो है वो मैक्सिमम हमें किस फॉर्मेशन में मिलता है, ब्यूटेन में मिलता है, मिथेन में मिलता है, प्रोपेन में मिलता है, अदरवाइज इथेन में मिलता है। तो इसमें हमको ये मेथेन फॉर्मेशन में
नेचुरल गैस हमें ज़्यादा मिलता है। तो आज की क्लासेस में हमने 9 क्वेश्चंस के थ्रू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग स्लाइड्स और नेक्स्ट के थ्रू हमने कार्बन एंड कंपाउंड के बेसिक कंडीशन को समझा कि इस तरह का प्रिपरेशन हमें अपने एग्जामिनेशन के लिए करना होगा। नेक्स्ट अगली क्लासेस में हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।